बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तलहा स्वीट किचन में आज हम लोग बनाएंगे क्रिस्पी चिकन स्नैक्स। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मनी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा किलो बोनलेस चिकन लेंगे। इसमें हम एक चम्मच लेमन जूस, चम्मच सिरका, एक चम्मच चिली सॉस, चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1 टीस्पून जिंजर पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून सूर्ख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम समोसे वाली पट्टियाँ लेंगे, इसे बारीक बारीक काट लेंगे। अब हम 3 चम्मच मैदा लेंगे और इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। इसमें 1 चम्मच सूर्ख मिर्च पाउडर और 1 चम्मच तिक्का मसाला डालेंगे। इसमें पानी डाल के एक लही सी बना लेंगे। घंटे बाद चिकन पीसेस को निकाल कर इसमें डिप करेंगे। इसके ऊपर पट्टियां जो हमने काट के रखी थी वो लगा लेंगे। पट्टियों को अच्छी तरह से चिकन पर लगा लेंगे। इसी तरीके से सारे चिकन पीसेस तैयार कर लेंगे। सारे चिकन पीसेस तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके 1/2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। आधे घंटे बाद इसे निकाल कर फ्राई कर लेंगे। इसे हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। एक साइड से फ्राई हो जाए तो साइड टर्न करके दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। हमारे चिकन स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। लीजिए, गर्मा गर्म और क्रिस्पी चिकन स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना डिस्क लिखेगा तो हमें याद रखेगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों।